हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बॉडी बिल्डिंग मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बाहुबली जैसी बॉडी कैसे बना, आज का हमारा टॉपिक यही है। देखिए, मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा है आपसे कि मैं आपकी बॉडी बनवा के रहूँगा, तो ये एक क्षत्रिय का वादा है, तो पूरा तो ज़रूर होगा, और पूरा उन्हीं के लिए होगा जो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और जो मैं कह रहा हूँ वो करेंगे। और साथ ही में देखिए, हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे इस बारे में कि बाहुबली की बॉडी कैसे बनाई जा सकती है, और कोई बकवास नहीं की मैंने इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, जो भी इंसान बॉडी बनाना चाहता है, एक्स वाई जेड जो भी, उसमें एक ही फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, हारमोन्स का फैक्टर, टेस्टोस्टेरोन का फैक्टर। आपने ध्यान से देखा होगा बाहुबली को, तो देखिए पिक्चर में जो दिखाया गया है उसके चलने का तरीका, ठीक है, उसके बात करने का तरीका, ये वो तरीके हैं जिससे आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन का फ्लो बढ़ जाता है। जब भी आप उस मूवी को देख रहे होंगे, आपने वो मूवी तो जरूर देखी होगी, जब भी आप उस मूवी को देख रहे होंगे उस टाइम भी आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया होगा। तो जब भी हमारे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, उस टाइम हम पावर फील करते हैं, अपने स्ट्रेंथ फील करते हैं। यही स्ट्रेंथ ही रीज़न है, ये टेस्टोस्टेरोन ही रीज़न है बॉडी बनाने का। तो ये आप नेचुरली कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरली बिल्कुल ग्रो हो सकता है। देखिए, आपके चलने उठने बैठने का तरीका इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन क्या है। आप जिस हिसाब से चलते हैं, जिस हिसाब से आप बोलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, ठीक है, वो सारे तरीके आप पे टेस्टोस्टेरोन लेवल को इफेक्ट करते हैं गाइस। तो ध्यान से देखिए, जब भी आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, बिल्कुल सही मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में, और विश्वास मानिए आप इसको, ठीक है। देखिए क्या है कि सीधा खड़ा होकर चलना, सीधे बैठना, ये दो चीज़ें, और इसके साथ ही जब आप बोलें तो आपकी बात में कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। इसका उल्टा भी सही है, जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो इसके लिए आपको ये मैंने दो टिप्स बताई, इसके अलावा भी बहुत सारे टिप्स हैं, ठीक है। जैसे आप अपने हाथों को जब फैलाते हैं, अब आप देख रहे हैं फैलाते का मतलब ये है, जब आप हाथों को खुला फैलाते हैं उस रूप में भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो कभी कभी जब आप जिम करते हैं तो अपने हाथ को ऊपर उठाइए, विन की पोजिशन में, सीधा विन की पोजीशन में, जैसे आप पुश होते हैं तो उठाते हैं तो उठाइए, और इस तरीके से इन सब चीज़ों से, इन सब पोस्चर से, बॉडी पोस्चर से टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, और आप काफ़ी हद तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और जिम के समय ही आपके बहुत काम आएगा। जिम के अलावा भी कैसे भी आप हर टाइम पे ध्यान दीजिए कि आपका पोस्चर कैसा है। आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को, ठीक है। और ये आपने देखा होगा, देखिए बाहुबली को तो अब आप जानते ही हैं, अब मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाहुबली की बॉडी तो जैसे भी बनी हो, ठीक है, शायद नेचुरल या नेचुरल नहीं भी बनी हो, ठीक है, स्टेरॉयड की यूज़ हो वैसे, लेकिन पिछले के समय की लोगों की बॉडी जो होती थी वो आज के नॉर्मल लोगों से अच्छी होती थी, बिना जिम वगैरह कहीं जाए। ये क्यों होता था? एक ही वजह है इसकी, इसकी वजह है टेस्टोस्टेरोन। पहले हम लोगों का टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, और अब धीरे धीरे होता क्या जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन में डिक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में कई चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब आप शायद आपने सुना हो कि पहले के लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती थी आपके लोगों के मुकाबले में। बाहुबली भी देखिए, जो पिक्चर बनी है वो दिखाया गया है पुराने समय को, तो ये बात सही है, पुराने के समय में स्ट्रेंथ पहले बहुत ज़्यादा होती थी लोगों के पास, ठीक है, और ख़ासकर राजाओं के पास तो और भी ज़्यादा होती थी। क्यों? देखिए, शुरू से ही उनको ऐसे बनाया जाता था, ऐसे रहने सिखाया जाता था, और इसी आप राजाओं को देखिए, उनका पोस्चर, उनका चलने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस अलग ही होता था। तो उनका यही कॉन्फिडेंस उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल को अफेक्ट करता था, तो उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी और ज़्यादा होता था, नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा होता था, ठीक है। तो आज भी यदि आप रहते हैं, जैसे भी आपका पोस्चर है, आप उसको ध्यान दीजिए, उसका
यूज़ करिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में। ऐसे बहुत सारे और तरीके हैं जो मैं आपके लिए लाऊंगा, और ये सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का फ़ायदा आपको बॉडी बनाने में या स्ट्रेंथ में ही नहीं होगा, किसी भी जगह होगा। यदि आपको इंटरव्यू देने जाना है, हाँ ध्यान से सुनिए, यदि आपको इंटरव्यू देने जाना है ठीक है, तो इंटरव्यू देने से जाने से पहले अपने आप को विन सिचुएशन में सोचिए ठीक है। चाहे तो यदि आप वॉशरूम में जा सकते हैं तो वॉशरूम में जाइए, अपने दोनों हाथों को ऐसे रेज करिए, उठाइए और विन की पोजीशन में आइए। दो चार बार सोचिए जैसे आपने कोई चीज जीत ली हो, कोई रेस जीत ली हो, और फिर जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं आप सेलिब्रेट कीजिए उस तरीके से। गारंटी मानिए, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उसी टाइम बढ़ेगा। साइंस कहती है कि 2 मिनट तक अपने हाथों को ऊपर हवा में उठाने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल उसी समय तुरंत ही बढ़ता है। तो देखिए, यदि आपको फ्री में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़े लेवल पर मिल रहा है तो क्या बुराई। ये वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन इसमें मैंने बात करनी थी आपके बारे में, आपकी बॉडी बनाने के बारे में। और मुझे सच में अंदर से ही ये भरोसा है कि एक ना एक दिन वो बंदा जो लगा रहता है उसको कामयाबी मिलती ही मिलती है। मैं भी लगाऊँ, आप भी लगे लगे रहिए। और इसके साथ ही सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, इस चैनल को ग्रो करिए, क्योंकि ये चैनल यदि ग्रो होगा तो फिर अब आप और हम दोनों ग्रो करेंगे, और इसी से फिर आगे चल के हम और आप मिलेंगे भी। और जितना हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा, मैं पर्सनल खुद आपकी बॉडी बनवाने की कोशिश करूँगा, जिस भी तरीके से हो सकेगा पॉसिबल उस तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।